हर फोन की इंक्लूडिंग आईफोन की एक वीकनेस जो देखने को मिलती है वो अक्सर ऐसा लगता है कि ना अल्ट्रा वाइड जो है ना वो मिडिल चाइल्ड की तरह है, उसका से ट्रीट करते हैं, हाँ जाना है ऐसे। ये एक आम आदमी को अगर समझना हो तो वो कैसे समझेगा कि मुझे क्या फर्क नजर आएगा? डिटेल, सबसे पहला फर्क आपको मिलेगा डिटेल के अंदर, लो लाइट फोटोग्राफी के अंदर। उसके बाद में कई लोगों को पसंद होता है स्लो मोशन बनाना। रात का टाइम था तो कौन उठ के चार्ज करे और मूवी बीच में रोके, तो मुझे ये लगा कि ये चलो थोड़ा देख लेते हैं, जब तक बैटरी चलेगी देखा जाएगा, उसके बाद चार्ज में लगाएंगे। इट्स नॉट अ 48-12-12 सेटअप, इट्स नाउ अ 48-48-12 सेटअप। वो करेगा, कुछ केसेस में करेगा, ज़्यादातर केसेस में शायद ना करे। जनरल यूज़र है जिसको आईफोन यूज़ करना है और प्रो यूज़ करना है, राइट? आईफोन 15 प्रो, आईफोन 16 प्रो, अब आपको ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे पर दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में ख़रीदना कौन सा चाहिए, बस आज यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो सीधा शुरू करते हैं मानिक। देखो, अगर सीधा शुरू करना है तो आप अगर एक रेगुलर बायर हैं जिनको एक आईफोन परचेज करना है 15 प्रो 16 प्रो के बीच में कन्फ्यूज हैं, तो आप सीधा जाइए एप्पल के कंपेयर पेज के ऊपर। आप गूगल पे डालेंगे एप्पल कंपेयर आईफोन्स, उसके बाद में कंपेयर पेज ओपन होगा, वहाँ से आप 15 प्रो 16 प्रो डाल करके देखेंगे, आपको सारे फीचर्स में ऑलमोस्ट एक ओवरलैप नज़र आएगा, जिसकी वजह से एक नोशन बन गया बाहर के शायद जो आईफोन 15 प्रो 16 प्रो है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे एक ही फ़ोन है। पर क्या है ये एक जैसे? एक्चुअल में नहीं। जो हम लोग अगर स्टार्ट करें तो पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के साथ, ठीक है? तो डिज़ाइन से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, 15 प्रो एंड 16 प्रो के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया कि 16 प्रो आपको और हल्का फील होगा जबकि फिजिकली वो थोड़ा सा और हैवी है कंपेयर टू 15 प्रो। और जो साइज़ भी है फ़ोन का वो बिल्कुल हल्का सा इंक्रीज़ करके बेजल्स कम कर दिए गए, जिसकी वजह से डिस्प्ले भी थोड़ा और बड़ा कर दिए गए, अभी 6.1 से 6.3 इंच के डिस्प्ले पर मूव कर गया। एंड जो डिस्प्ले है उसके अंदर भी चेंज है, इट गोज़ ऑल द वे डाउन टू 1 निट। तो 1 निट का सीधा सा मतलब है कि अगर आप कंबल में लेट करके स्क्रॉल करने की आपको आदत है, अच्छी आदत नहीं है, बट अगेन अगर आपका फ़ोन उस आदत को अकोमोडेट करता तो 1 निट तक डिम चला जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप 16 प्रो यूज़ कर रहे हैं, मैंने ये फील किया, मुझे ये लगा कि अरे कुछ तो डिस्प्ले में हो गया क्या, ये इतना कैसे डिम होता चला जा रहा है, तो मैंने थोड़ा उसको इंक्रीज़ किया। फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, सेम चीज़ ध्यान आई कि ये तो इस लेवल का बनाया गया है कि आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकें। एग्जैक्टली। इसके अलावा आई थिंक एक जो सबसे मेजर चीज़ दिखेगी उसके लिए डिफरेंसेस ढूंढने के लिए उसमें आपको दोनों फ़ोन्स के साइड्स पर जाना पड़ेगा। हाँ, साइड्स पर तो जाना ही पड़ेगा, वो है आपका वही जो कैमरा कंट्रोल आया नया, ठीक है? तो कैमरा कंट्रोल एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मेक करता है, क्योंकि वो आपके कैमरा के पूरे पूरे एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है एक तरीके से। इट इज़ अ फास्टर वे ऑफ लॉन्चिंग द कैमरा, यूजिंग द टूल्स, सब कुछ आप ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं वहाँ पे। बट अगेन, अगर आप ज़्यादातर यूज़र्स के अंदर हैं जिन्हें सिर्फ एक आईफोन चाहिए, 15 प्रो चाहिए या 16 प्रो चाहिए, एक प्रो बैच अगर आप लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, 15 प्रो का इस टाइम जो रेट है वो 1 लाख के अंदर अंदर तक आ चुका है, काफ़ी हद तक सेल्स वगैरह चल रही हैं उसकी वजह से। तो अगर आप बट मैं इसमें एक रोकूंगा आपको, सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि क्या 15 प्रो इतना इजीली अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इशू है आईफोन 15 प्रो के लिए, क्योंकि अब एप्पल की साइट से ऑफिशियली वो फ़ोन अवेलेबल नहीं है और एप्पल स्टोर्स पे भी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। अब वो आपको या तो रीसेलर्स पे मिलेगा या फिर आपको मिलेगा बिल्कुल ही थर्ड पार्टी स्टोर्स के ऊपर या फिर आपको मिलेगा ऑनलाइन, बट फ़ोन अवेलेबल है और अच्छे रेट पे अवेलेबल है। सो खासकर वो लोग जो कि 16 पे अपग्रेड करने का सोच रहे हैं कहीं ना कहीं किसी पुराने आईफोन से, तो जब ऐसा हुआ था कि जब 14 से 15 पे लोग जा रहे थे तो उस टाइम मैंने लोगों को बोला था कि 14 ना लेकर के 15 की तरफ ट्रांजेक्शन किया जाए, उसका रीज़न था टाइप सी। ओके, हाँ, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लोग 16 कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए 15 प्रो बहुत सॉलिड ऑप्शन है। हाँ, मैं इसी पर आ रहा था, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 16 क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और 15 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले 16 और 15 प्रो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। ठीक है, 16 और 15 प्रो वाले अगर POV से देखें तो वहाँ पे आपको 16 के अंदर वही स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, दो कैमरास, ठीक है, नया ऑब्वियसली आपको कैमरा कंट्रोल्स मिल रहे हैं, एप्पल इंटेलिजेंस मिल रहा है जो कि 15 सीरीज से मिस आउट हो गया, तो इसलिए 16 इज़ अ गुड प्रपोजिशन, आराम से रेडिली अवेलेबल है। आप जाएंगे स्टोर पर वॉक इन में, अपनी पसंद का कलर स्टोरेज देखें, यू बाय इट एंड यू आर सॉर्टेड। बट आप थोड़ा सा करना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रगल, थोड़ा आप संघर्ष करना चाहते हैं उस 15 प्रो के लिए, देन आई थिंक दैट्स वन थिंग जो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि अगर आपको वो फ़ोन
सेम 16 से थोड़ा भी ज़्यादा अगर रेट के अंदर मिलता है तो आपको अगेन एक कैमरा एक्स्ट्रा मिल जा रहा है जो कि 3x लेंस है उसके साथ में, 120 हर्ट्ज़ का प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जा रहा है साथ में, बैटरी लाइफ अच्छी खासी रहती है हमेशा प्रो की, आपको उस चीज़ का भी अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो आप जब वेरिएबल्स को रख के देखते हैं साइड बाय साइड तो कहीं ना कहीं 16 और 15 प्रो के अंदर, 15 प्रो का अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फीचर रिच फ़ोन है बिकॉज वो प्रो लाइनअप का फ़ोन है, तो वो अब भी कहीं ना कहीं 16 के बराबर ही रहता है, इफ़ नॉट मोर सुपीरियर टू 16 इन ऑल रिगार्ड्स। बट कैमरा कंट्रोल मिस नहीं करेगा 15? कैमरा कंट्रोल आप डेफिनेटली मिस करेंगे, बट अगेन दिस इज अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू मेक, कि आपको एक प्रो सीरीज का फोन 1 लाख रुपए के अंदर मिल जाए तो कुछ उसमें ट्रेड ऑफ्स रहते हैं, तो ये एक ट्रेड ऑफ है उसमें से। तो अब 16 प्रो और 15 प्रो पर आ जाते हैं, 16 क्योंकि प्रो और 15 अभी डिस्काउंट में 15 प्रो पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। 16 के लिए थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, हाँ जितना ज्यादा पे करना पड़ेगा क्या 16 प्रो से आपको उतना मिल रहा है? Actually, अब यूजर को किधर जाना चाहिए, बायर को किधर जाना चाहिए, उसको 15 प्रो लेना चाहिए या 16 प्रो लेना चाहिए? ये एक काम करते हैं ना, ये चीज़ बायर के ऊपर ऐसे छोड़ देते हैं कि बायर को एक पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको कंपेयर पेज पे शायद बहुत डेप्थ में जाने के बाद मिले। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है 15 प्रो और 16 प्रो में वो कैमराज का है, ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि ठीक है ट्रिपल कैमरा, मैं इसमें आपको रोकूंगा, पहले डिफरेंस बताने के बजाय हम आते हैं सिमिलैरिटीज पर कि दोनों फोन्स में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। ओके, 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले सिमिलैरिटी है, एक्शन बटन दोनों फोन्स के अंदर है सिमिलैरिटी है, और USB-C चार्जिंग है दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, दैट इज़ ऑल द बेस सिमिलैरिटी दैट यू गेट। इसके अलावा जो डिज़ाइन में कोई बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं? डिज़ाइन के अंदर अगेन लैंग्वेज में, डिज़ाइन लैंग्वेज में वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ़र्क है, वो आपको तब दिखेगा जब आप 15 प्रो 16 प्रो दोनों को हाथ में पकड़ेंगे। जैसे आपने होल्ड कर रखा था तो आपको उसके वेट में फ़र्क पता लग रहा होगा कि दोनों के दोनों फोन्स लाइट हैं, पर दोनों की लाइटनेस के अंदर फर्क है डिस्पाइट द 16 प्रो बीइंग हेवियर, तो वो चीज़ आपको फील होगी एक बार, और थोड़ा सा बेजल्स भी फील होंगे, बेजल्स भी फील होंगे, बिल्कुल फील होंगे, बट अगेन वो ओवरलैप में आ जाता है कि सिमिलैरिटी डिफरेंस की टेरिटरी में ओवरलैप कर रहा हो, कहीं ना कहीं आप उसको डिफरेंस भी मान सकते हो, कहीं आप उसको सिमिलैरिटी भी मान सकते हो कि अब भी बेजल्स हैं। अब डिफरेंसेस पर आ जाते हैं कि 16 प्रो 15 प्रो से कितना अलग है, कितना अपग्रेडेड है, और वो जो अमाउंट पे हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियली तो 15 प्रो बंद हो गया है, बट सेल में आपको मिल जाएगा या अभी कहीं आप ढूंढेंगे तो थोड़ा मेहनत करेंगे मिल जाएगा, वो जो एक्स्ट्रा पे करना है 16 प्रो के लिए इन कंपैरिजन टू 15 प्रो, राइट, वो कहाँ पर देना पड़ रहा है और किस चीज़ के लिए देना पड़ रहा है? वो आप अगेन लाइक आई सेड बिफोर, वो आप मेनली कैमराज के लिए दे रहे हैं। डिज़ाइन एंड कैमरा कंट्रोल्स इज़ वन थिंग, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, अच्छे कंट्रोल्स है, जब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कितने इंट्यूटिव है। एंड जब आप बात करें कैमराज की तो मेनली वही लोग वही देख रहे हैं कि ट्रिपल कैमरा सेटअप इधर, ट्रिपल कैमरा सेटअप उधर, कंपेयर पेज के ऊपर भी क्लियर दिखता है 0.5 1 2 3x, 0.5 1 2 5x, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है, कि आईफोन 16 प्रो गेट्स अ 5x लेंस जो कि 15 प्रो मैक्स के अंदर था, ठीक है, तो 15 प्रो मैक्स हैड अ 5x, नाउ दिस हैज़ अ 5x, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ़र्क है कि आपको 3x की जगह 5x का ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, प्लस जो सेंसर है मेन कैमरा का वो पूरे तरीके से अलग है, इट्स अ फ्यूजन सेंसर, तो अब जब वो 1 से 2x क्वालिटी पे जाएगा, जंप करेगा, तो उसमें डिटेल लॉस ज़्यादा नहीं रहेगा, वो ऑलमोस्ट ऑप्टिकल क्वालिटी का जूम रहेगा। प्लस जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, अब तक हर फोन की इंक्लूडिंग आईफोन की एक वीकनेस जो देखने को मिलती है वो अक्सर ऐसा लगता है कि ना अल्ट्रा वाइड जो है ना वो मिडिल चाइल्ड की तरह है, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, हाँ जाना ऐसे ये तो वो ट्रीटमेंट इस बार अल्ट्रा वाइड को नहीं मिला। तो 48 मेगापिक्सल का अगर मेन लेंस है तो 48 का ही अल्ट्रा वाइड भी दिया 16 प्रो के अंदर, एंड जो प्रीमियम वो कमांड कर रहा है उस 48 मेगापिक्सल की वजह से अब वही लेंस जो है वो डबल अप होकर के मैक्रो लेंस बन गया, तो अब आपके पास एक फुल ब्लोन मैक्रो लेंस है, एक फुल ब्लोन टेलीफोटो लेंस है, और एक फुल ब्लोन वाइड लेंस है, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 16 प्रो 15 प्रो के मुकाबले अच्छा खासा जंप है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। मैं इसी पर आ रहा था, अब अगर इसको हम यूजर्स को समझाना चाहें, क्योंकि हमारे यूजर हर तरह के हैं, राइट, ये जो डिफरेंसेस हैं इससे उसको क्या डिफरेंसेस देखेंगे जो वो जनरेट करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोज, इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, दोनों में क्या डिफरेंस उसको देखने को मिलेगा जो नई या एक्स्ट्रा चीज अपर हैंड 16 प्रो को मिल रहा है? ये एक आम आदमी को अगर समझना हो तो वो कैसे समझेगा कि मुझे क्या फर्क नजर आएगा? डिटेल, सबसे पहले तो डिटेल में फर्क आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सेंसर नया है, उसकी प्रोसेसिंग नई है, जिस तरीके से उस पूरी पाइपलाइन को एप्पल ने अरेंज किया 16 प्रो के लिए, वो कह रहे हैं कि जब आप प्रो रेजोल्यूशन में भी शूट करेंगे 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के अंदर,
तब भी आपको जीरो शटर लैग मिलना है। मतलब कि अगर डिम लाइट सिचुएशन है, आप फोटो खींचते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर आपका आईफोन 15 भी है, मेरे पास 15 है, तो उसके अंदर लो लाइट में इमेज क्लिक करने पे वो एक बार को पूरा का पूरा स्टेडी होता है, फिर वो वापस रिवाइव करता है एंड देन इमेज वो क्लिक हो जाती है लो लाइट में। 16 लाइनअप के अंदर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क है, स्पेशली 16 प्रो में, क्योंकि वो शटर लैग को मिनिमाइज़ कर दे रहा है, बहुत कम कर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फ़र्क आपको मिलेगा डिटेल के अंदर, लो लाइट फोटोग्राफी के अंदर। उसके बाद में कई लोगों को पसंद होता है स्लो मोशन बनाना, है ना, बिल्कुल, तो स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं, कुछ गतिविधि चल रही है और आपने जाकर के एक स्लोमो बना दिया, कई बार बहुत अच्छी यादें निकल के आ जाती हैं। तो उस सेंस में भी जो आईफोन 15 प्रो था वो 60 FPS तक कैप्चर कर सकता था, आईफोन 16 प्रो 4K 120 हर्ट्ज़ तक लेके जा सकता है उसको, 120 FPS तक। तो वो जो ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है फ्रेम रेट, ठीक है, जो कैमरा क्वालिटी है वो ऊपर कर दी गई है, जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर कर दी गई है। तो जब आप 16 प्रो का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आश्वासन ज़रूर दिया है एप्पल ने कहीं ना कहीं कि भाई आप एक ऑप्टिमल क्वालिटी कैमरा के लिए पे कर रहे हैं, जो आपको अपग्रेड मिलेगा, आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कैमरा एंड पर जा रहा है, वो कैमरा एंड पर जा रहा क्या है, बट सिर्फ कैमरा एंड पर नहीं जा रहा, अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है दोनों में? बैटरी एंड चार्जिंग दो बड़े डिफरेंसेस हैं, एंड बैटरी एंड चार्जिंग के अलावा भी एक दो और डिफरेंसेस हैं जो कि रोज़मर्रा में लोग नोटिस नहीं करते। आमतौर पर लोग ना वाईफाई को थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, ये वाईफाई में वर्जन्स आते हैं 5, 6, 7, 6E भी आता है बीच में। तो अभी जो करंट आईफोन जो 15 रहा या 15 प्रो रहा उसके अंदर 6E था, अब वाईफाई 7 है, तो वाईफाई 7 स्टैंडर्ड का मतलब है फास्टर वाईफाई, ज़्यादा बैंडविड्थ आप कैप्चर कर सकते हैं, फास्टर डाउनलोड्स आप ट्रिगर कर सकते हैं उस चीज़ से, उस चीज़ की जो बैंडविड्थ खींचने की क्षमता है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है तो उसकी ज़्यादा यूटिलिटी 16 प्रो निकाल करके आपको दे सकता है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं प्रो यूज़र्स के लिए ये चीज़ खासकर मायने रखती है कि वाईफाई और ब्लूटूथ जो बिल्कुल अपडेटेड टॉप नॉच रहे। ठीक है, तो वहाँ पे 16 प्रो एक तरीके से एक बॉक्स को टिक कर देता है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है बैटरी और चार्जिंग के अंदर, वो भी काफ़ी मेजर डिफरेंस है कि बैटरी जो है 22-27 घंटे चलेगी स्क्रीन साइज़ बड़ा होने के बाद में। ठीक है, तो आपको एक बड़ा स्क्रीन साइज मिल रहा है, बेहतर स्क्रीन एक्सपीरियंस मिल रहा है, पतले बेजल्स मिल रहे हैं, बट बैटरी उसके साथ में बढ़ गई है। आपने खुद भी यूज करके देखा, मैं एक दिन एक मूवी देख रहा था और बैटरी रेड जोन पर थी, मैं लेटा हुआ था, रात का टाइम था, तो कौन उठ के चार्ज करे और मूवी बीच में रोके, तो मुझे ये लगा कि ये चलो थोड़ा देख लेते हैं, जब तक बैटरी चलेगी देखा जाएगा, उसके बाद चार्ज में लगाएंगे। और मैंने लगभग 1.25 घंटे 1 घंटे 20 मिनट के आसपास की मूवी देखी, उसके बाद भी उसमें 7-8% बैटरी बची हुई थी। और सुबह मैं उठा हूँ, टेबल पर मैं फ़ोन रख दिया, मैं सो गया, सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ उसमें 7% बैटरी है। एग्जैक्टली तो जो मुझे विश्वास, मुझे ये लगा था, मुझे एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस था थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे लगा कि अभी तो ये 10-20 मिनट में चली जाएगी बैटरी और फिर उसके बाद मैं रख के सो जाऊँगा, मूवी कल देखूँगा। नहीं देखो, एंड्रॉयड में भी वेयर क्रेडिट इज ड्यू, आई हैव सीन फोन्स जो 10% के ऊपर भी मेरा आधा दिन पार कर, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिस फोन को मैं यूज़ कर रहा था, तो मुझे ये लगा कि अब ये जाएगा, तो बट हाँ बैटरी के लेवल पर ये डिफरेंस है, डेफिनेटली बैटरी में डिफरेंस है। एंड एप्पल ने कुछ फ्यूचर प्रूफिंग कर दी है 16 प्रो की, और वो काफ़ी अच्छी फ्यूचर प्रूफिंग है, खासकर जैसे हम लोग जानते हैं कि वायरलेस चार्जिंग के अंदर एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो अभी तक 15 प्रो लाइनअप भी जो 15 लाइनअप था और उससे पहले जो 14 लाइनअप था, वो 7.5 वॉट 15 वॉट पर चार्ज हो रहा है, बट अगेन 7.5-10 वॉट के आसपास रहता है जो उसका एनर्जी लेवल रहता है, और बहुत स्लो वायरलेस चार्जिंग होती है अगर आप मैगसेफ से भी करें। इसके अंदर 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आ चुकी है 30 वॉट के अडाप्टर के साथ में, जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट है। फ्यूचर में अगर आप वायर्स हटाना चाहें, क्योंकि आजकल जो है वो वायरलेस पावर बैंक्स का भी बहुत ज़्यादा चलन हो गया, काफ़ी सारे पावर बैंक्स ऐसे आ गए जो कि मैगसेफ के साथ कंपेटेबल है, आपने बस स्नैप किया और आप यूज़ कर रहे हैं उसको। इसमें मैं ऐड करूँगा, मैं मैगसेफ से ही चार्ज कर रहा हूँ, और मैंने अपना आईफोन अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 16 प्रो, उसको मैंने डायरेक्ट जो हमारा ट्रेडिशनल चार्जर है उससे चार्ज करने के बजाय मैं मैगसेफ से ही कर रहा हूँ। मुझे चार्ज करने में एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि बहुत फास्ट नहीं है, जो वो आजकल 80 वॉट 120 वॉट टाइप है, उतना नहीं है, बट जो मैं फ़ोन यूज़ करता था वो चार्ज होने में जितना टाइम लेता था, ये थोड़ा बहुत 19-20 का मामला है, तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं होता, मैं उसको रख के चला जाता हूँ और जब मैं आके फ़ोन उठाता हूँ तो फ़ोन मेरा इतना चार्ज होता है जितनी की मुझे ज़रूरत होती है, जितना मेरे दिमाग में होता है कि इतना चार्ज हो चुका होगा। तो ये पहले था इसके कि लगता था वायरलेस काफ़ी स्लो है, बट इस बार ये इम्प्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से अभी रिप्लेस कर दे रहा है जो ट्रेडिशनल चार्जर हैं, बट इतनी भी स्लो स्पीड नहीं है कि आपको लगेगा बहुत धीरे चार्ज हो रहा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। राइट, 15 प्रो एंड 16 प्रो के अंदर एक और पावर ऑप्टिमाइजेशन है
ठीक है, जो कि 15 लाइनअप से ही एप्पल ने देना स्टार्ट किया था, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि आप अब बैटरी को कैप कर सकते हो कि 80% चार्ज पे चार्जिंग कट ऑफ हो जाएगी। मैंने खुद ने भी करा हुआ है, 90 एंड 95 चार स्लॉट्स आपके पास। आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आप अगर 100% चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी की लाइफ उसके कंपैरिजन में अगर आप कम रखते हैं तो थोड़ी ज़्यादा होगी और उसमें कम होगी। और मैंने खुद ने भी कर रखा है, वो ऑप्शन आपको मिलता है। तो की डिफरेंसेस यही हैं जो 15 प्रो एंड 16 प्रो के अंदर मेरी नज़र में रहते हैं, वो यही है कि कैमरा जो है वो बहुत बड़ा लीप है। अगर कोई उसको समझ रहा है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल 48MP पहले था, 48MP अभी है, वो ऐसे नहीं है। इट्स नॉट अ 48-12-12 सेटअप, इट्स नाउ अ 48-48-12 सेटअप, जो कि बहुत बड़ी बात है। अल्ट्रा वाइड को जो ट्रीटमेंट मिला वो बहुत अच्छा है। बट अगेन एक कंप्लेंट, फ्रंट कैमरा के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, दैट्स वन थिंग। उसका कैमरा सिर्फ फेस आईडी के जितना ही यूज हो रहा है। मुझे लगता है ना कि फ्रंट कैमरा का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, ये कंपनियों को भी समझ में आ गया है। आप जो मेजर आपका यूज है वो बैक कैमरे का ही है। फ्रंट कैमरा सेल्फी वेल्फी वाला भी प्रचलन अभी जहाँ उस लेवल का तो नहीं, मुझे लगता है इनफैक्ट सेल्फी वाला थोड़ा कम ही होता चला जा रहा है। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं और लोग फोटो क्लिक करा लेते हैं। फ्रंट कैमरा का ज्यादा यूज अब वीडियो कॉल और फेस आईडी इन सारी चीजों पर है, बट इट्स अभी भी लोग सेल्फी लेते हैं। डिसेंट कैमरा, मतलब ड्यूअल कैमरा, बट आप कोई नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड जैसे बैक कैमरे में अपग्रेड मिलता है उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो मुझे लगता है इसका मेजर रीजन यही है। अभी भी लोग, ऐसा नहीं मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि लोग सेल्फी नहीं लेते हैं, लेते हैं, बट उसकी जरूरत उतनी ही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद बहुत फोकस उसी हिसाब से चल रहा है। उसी हिसाब से चल रहा है। तो मेरी तरफ से जो आप मुझसे सवाल पूछा था कि कौन सा लेना चाहिए, 15 प्रो 16 प्रो, अब आपको सारे के सारे बॉक्सेस हमने बता दिए हैं, तो आपके लिए कौन सा बॉक्स सबसे ज्यादा, कौन सा फोन सबसे अच्छे तरीके से, बेसिकली जो आप खुद डिसाइड करें। समझ में आया वो ये समझ में आया कि कैमरा फ्रंट पर एक बड़ा डिफरेंस मिलेगा, बैटरी लेवल और चार्जिंग लेवल पर भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। क्या ये डिफरेंसेस, कैमरा वाला तो क्लियर है बट बैटरी और चार्जिंग वाला भी अगर हम इसमें ऐड करें तो क्या ये डिफरेंस इस लेवल का है कि आपको फील कराएगा कि यार 16 प्रो लिया होता तो बढ़िया रहता? एवरीडे यूज़र के लिए शायद नहीं। ओके, आई डोंट थिंक किसको फील होगा फिर? ये प्रो यूज़र्स को फील होगा जिन्होंने एक्चुअल में प्रो की वैल्यू निकालनी, जो आप कह सकते हैं ना कि आपने अगर एक प्रो फ़ोन लिया है तो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, आप उससे वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग्स शूट कर रहे हैं, आप उसे प्रोफेशनल फुल ब्लोन कैमरा की तरह यूज़ कर रहे हैं, तब आपको उसमें माइक्स का भी डिफरेंस समझ में आएगा कि उसमें 4 माइक्स हैं, वो स्टूडियो क्वालिटी अरे लगा हुआ है, तो एक तरीके से आप स्पेशियल ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको 16 प्रो के अंदर एज अ प्रो यूज़र नोटिस होंगी, बट एज समबडी जैसे कि एक आईफोन पर अपग्रेड करना है या पुराने आईफोन से नए आईफोन पर अपग्रेड करना है, 15 प्रो 16 प्रो इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। वो करेगा कुछ केसेस में करेगा, ज़्यादातर केसेस में शायद ना करे। तो मतलब अगर एक जनरल यूज़र है जिसको आईफोन यूज़ करना है और प्रो यूज़ करना है, राइट, तो वो 15 प्रो के भी साथ जा सकता है, 16 प्रो के साथ भी जा सकता है। लेकिन एक ऐसा यूज़र है जो बेसिकली क्रिएटर है और उसकी डिपेंडेंसी फ़ोन पर ही है क्रिएट करने की, तो उसको 16 प्रो के साथ जाना चाहिए क्योंकि उसको 16 प्रो से कैमरा वाले जो रिजल्ट मिलने हैं, जो उसका मेन काम है, वो डिफरेंस उसको दिखेंगे। और साथ में बैटरी उसमें ऐड ऑन करती है क्योंकि थोड़ी देर ज़्यादा साथ दे देगी तो थोड़ा क्रिएशन आपका ज़्यादा हो जाएगा। यस, ये एक मेजर डिफरेंस है। समिंग अप यही है कि भाई अगर आप ऐसे यूज़र हैं जिसको आईफोन यूज़ करना है, प्रो होना चाहिए, तीनों कैमरे पीछे दिखने चाहिए, तो आप 15 प्रो लो या 16 प्रो लो, दोनों आपके लिए एक जैसे ही लमसम होंगे। बट अगर आपका काम क्रिएशन का है तो आपको 16 प्रो के साथ जाना चाहिए, उसमें आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे। और अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल और रह गए हों जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में अगर आपके लिए आंसर नहीं करे, तो फील फ्री एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर रिप्लाई भी करते हैं, तो मेक श्योर आप एक बार हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर कि क्या मिस हुआ है, अगर कुछ मिस हुआ है। तो अगर आप आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कन्फ्यूज हैं 15 प्रो खरीदूँ या 16 प्रो, अब आपने ये वीडियो देख लिया है और आपको ये हेल्प मिल गई डिसीजन लेने में कि कौन सा खरीदें, तो हमें कमेंट करके बताएं। टेक से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं आप कमेंट करें, आप चाहते हैं टेक्लूसिव आपके लिए कोई टॉपिक कवर करें तो भी आप कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, और हमारे साथ आप बने रहें। मेरा नाम है अवनीश। मेरा नाम है मानिक। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।